अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। देर रात मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन इलाके में छापेमारी कर दो ऐसे लोगों को पकड़ा है जो दाऊद के लिए फाइनेंस जमा करने का काम करते थे। कुछ देर में दोनों को कस्टडी में लिए स्पेशल NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों की पहचान आरिफ अबूबकर शेख और शब्बीर शेख के रूप में हुई है। आरोप है कि ये दोनों टेरर फंडिंग जमा करने के लिए बॉलीवुड के लोगों को धमकाने का काम करते थे। NIA को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये दोनों दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील के सीधे संपर्क में थे। शकील के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। सुरक्षा कारणों से NIA ने दोनों को भी अभी गुप्त स्थान पर रखा है। NIA सूत्रों के मुताबिक छोटा शकील लगातार मुंबई से बाहर बैठ फिरौती, ड्रग्स और आतंकवाद फैलाने का काम देख रहा है। NIA नई दिल्ली, मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़काने के लिए टेरर फंडिंग के मामले की जांच कर रही है। 9 मई को इसी कड़ी में मुंबई में 24 स्थानों और मीरा भाईंदर में 5 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। पूछताछ में दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे और दाऊद के सहयोगी छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट को भी हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा 20 अन्य लोगों से NIA लगातार पूछताछ कर रही है। UAPA के तहत गिरफ्तार दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर द्वारा कथित खुलासे के बाद सुबह छापेमारी शुरू हुई थी। NIA के अनुसार दाऊद और उससे जुड़े लोग लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग में भी काम कर रहे हैं। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।